पानीपत शहर में नगर निगम के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके चलते आज वार्ड नंबर 9 के पार्षद पद की उम्मीदवार सिप्रा विज धर्मपत्नी वरुण विज के कार्यालय का उद्घाटन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बुल्ले शाह द्वारा किया गया। इस मौके पर वार्ड वासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया और उनको फूल मालाएं पहनाकर उनको समर्थन दिया। इस मौके पर बुल्ले शाह ने कहा कि इस बार नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे और भाजपा के भ्रष्टाचार वाले शासन को उखाड़ फेंकेंगे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान सिप्रा विज ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करती है और साथ ही अपने वार्ड की समस्याओं को समाप्त करने की बात कही। मैडम, जैसे आपने बोला कि आप सेवा करना चाहते हैं, क्या आप इलेक्शन के पहले नहीं सेवा करना चाहते थे? क्या इलेक्शन लड़ने के अलावा आपको दूसरा चांस नहीं है कि सेवा कर सको? कोई और भी तो रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो आपको ये इलेक्शन होगा कि इलेक्शन लड़ना ही क्यों जरूरी पड़ा? एक माध्यम के थ्रू मुझे ऐसा भगवान ने जो रास्ता दिखाया, मैं उसके थ्रू आगे। वैसे आप अपनी टीम बना के भी तो सेवा कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये माध्यम ही क्यों आपको चुनना पड़ा? ये माध्यम अब हमें आगे आए हैं, बस सरकार के थ्रू हम अपनी बात पहुँचाना चाहेंगे, इसी माध्यम से पहुँचा सकते हैं। तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दा क्या है शहर में? किया भ्रष्टाचार से बचाओ, शहर से बचाओ। भ्रष्टाचार के लिए सरकार जिम्मेवार है, बीजेपी सरकार को जिम्मेवार है। हमारी सरकार में नाकाली था, होगा ऐसा भ्रष्टाचार तो कभी देखा सुना नहीं। और ये बार बार एक ही बात करते हैं कि अधिकारी भ्रष्ट है, अधिकारी कभी भ्रष्ट नहीं, भ्रष्ट हमेशा सरकार है। तो भ्रष्टाचार की गवर्नमेंट करेंगे शहर के ढंग से, सोच समझ के, प्लानिंग के साथ। ये नहीं करेंगे कि पार्क के द्वारा ऊंची कर दो, सीमेंट उखाड़ के पत्थर लगा दो, 1.5 करोड़ रुपया पार्क के ऊपर लगा दो। ये कहाँ पे लिखा है? लोगों की सुविधाओं के लिए ये पैसा, आपको के लिए नहीं। आपको क्या लगता है कितनी सीटों पे कांग्रेस जीत पाएगी? देखो, मैं ऐसे कोई बात नहीं कर रहा, हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन, लोगों को हमारी बात पसंद आएगी तो लोग हमें चुनेंगे। तो उसमें क्या पता वो लोग कैसे करते हैं। मैं खाली आंकड़े, मजदूर के आंकड़े लेके आया, अंशु और पावा